अभी खेलना चाहते हैं GTA San Andreas Realistic Mode 2K20, बट आप डाउनलोड नहीं कर पा रही, आपको पता ही नहीं है कि भाई 2K20 का एक रियलिस्टिक मोड आ चुका है GTA San Andreas के लिए, जो कि GTA 5 का ग्राफिक मतलब इतना रियलिस्टिक कि कुर्ता फाड़ के मैं नाचू भाई, ऐसा रियलिस्टिक है मतलब कतई जहर। और अगर आप ये गेम खेलना चाहते हैं या ये ग्राफिक मोड खेलना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप इस चैनल पर आ ही चुके मतलब कहीं से भटकते फिरते आपको अरे फ्रेंड ने आपको इस वीडियो को शेयर किया तो भाई एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। मेरे इनको चलाने के लिए इस मोड को चलाने के लिए आपके पास मिनिमम 4GB रैम होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर मिनिमम i3 ही होना चाहिए। अगर इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट है आप खेल सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लो एंड PC में इसे प्ले कर सकते हैं, तो वीडियो को वॉच करना। आपको ये सभी फाइल्स डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने का नहीं है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आप आराम से इंस्टॉल कर लोगे। बट इससे पहले आपके पास एक GTA San Andreas का ओरिजिनल गेम होना चाहिए, इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप डाउनलोड मत करना, और नहीं है तो मेरे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा GTA San Andreas का फोल्डर, एंड ये है मेरा मोड्स का फोल्डर जो कि हम लोग को नेसेसरी फाइल्स की ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप वन पे आते हैं। यहाँ मैंने स्टेप लिख दिया है, कुछ 11 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर आपको एक एरर आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो सबसे पहले हम सेलो 4 को इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपली आपको इसे ओपन करना है, सिंपली हम यस करते हैं एंड ओके करना है आपको यहाँ पर। एंड दोस्तों सिंपली आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। एंड दोस्तों जिस भी डायरेक्टरी पे आपने GTA San Andreas को इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ मैंने सी में इंस्टॉल करके रखा है, कहाँ गया यार, ओके डाउनलोड्स पे जाऊँ, यहाँ पर मेरा कंप्रेस बहुत अंदर है यार। तो ये रहा मेरा GTA San Andreas का फाइल। तो सिंपली आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, पूरा फोल्डर को सेलेक्ट करना है। सिंपली हम नेक्स्ट करते हैं, और ये सभी को आपको चेक होने दे रहे हैं, यहाँ कुछ भी अनचेक मत करना। सिंपली हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉल में क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट। एंड यहाँ पर आपको ये दोनों को अनचेक करना है, ठीक है। सिंपली हम फिनिश पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा स्टेप वन कंप्लीट होता है। तो स्टेप टू पे यहाँ लोडर करके दिख रहा है, सिंपली आपको इसे ओपन करना है। एंड दोस्तों आपको ये दोनों, ये वाला इसे, एंड सिंपली दोस्तों आपको ये जो मोड लोडर ASI और मोड लोडर का फोल्डर को कॉपी करना है, ठीक है, ओके। तो सिंपली आपको इसे कॉपी करके इसे आपको सिंपली गेम के फोल्डर पे पेस्ट कर देना बाहर। एंड सिंपली हम बैक चलते हैं। अब यहाँ आपको अपने को स्टेप 3 पे जाना है, ऐड ऑन पे जाना है। सिंपली आपको ऐड ऑन को ओपन करना है, ये आपको ऊपर से ये तीनों कॉपी करना है, एंड सिंपली आपको यहाँ पर इसे गेम के फोल्डर पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपली हम इसे बैक करते हैं, चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। रीमास्टर्ड फिक्स करके दिख रहा है, सिंपली आपको इसे ओपन करना है, मोड लोडर को ओपन करना है, यहाँ पर आपको इसे कॉपी करना है आपको। एंड आपका यहाँ पर एक मोड लोडर का फोल्डर मिलेगा, सिंपली आपको इसे ओपन करना है, एंड सिंपली आपको यहाँ पर इसे चेप देना है मतलब पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ जब तक ये पेस्ट हो रहा है सिंपली हम बैक चलते हैं, बैक। अब अपने को जंप करना है स्टेप 5 के ऊपर, सिंपली आपको ये स्टेप 5 पर ओपन करना है। सिंपली हम इसे डबल टैप करके ओपन करना इंस्टेंट में। सिंपली आपको एक और एरो करके दिखा रहेगा, सिंपली इसको भी ओपन करना, इस वाले फोल्डर को यहाँ कॉपी करना है, एंड वही मोड लोडर वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड सिंपली हम बैक करते हैं, बैक बैक एंड बैक। अब अपने को स्टेप 6 पे जाना है, कहाँ है भाई हमारा स्टेप 6, ये रहा ओरिजिनल व्हीकल्स HQ रीमास्टर्ड 2। सिंपली हम इसे ओपन करते हैं, इसे भी ओपन करते हैं, San Andreas का एक फोल्डर मिलेगा, इसे ओपन करो। एंड ये जो देख रहे हो GTA3.img, सिंपली आपको इसे कॉपी करना है, एंड सिंपली मोड लोडर वाले फोल्डर पे पेस्ट कर देना है, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप बोनस दिख रहा है, बोनस सिंपली आपको इसे ओपन करना है, एंड ये जो व्हीकल HD दिख रहा है सिंपली आपको इसे ओपन करना है, एंड ये जो GTA3.img का फाइल दिख रहा है सिंपली आपको इसे कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पर चेप दो मतलब पेस्ट कर दो, हो गया भाई पेस्ट। अब सिंपली बैक चलते हैं, अब व्हीकल TXT SD पे जाना है,
ये मॉडल्स का जो आपको यहाँ पर फोल्डर को कॉपी करना है, अब हम गेम के फोल्डर पे बाहर आते हैं, बाहर वाले गेम के फोल्डर पे आपको इसे पेस्ट कर देना है, रिप्लेस मांगेगा, रिप्लेस कर देगा। अब बैक चलते हैं, यहाँ हमारा स्टेप 6 भी कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं स्टेप 7 पे, साइलेंट पैच, इसे ओपन करना है। एंड ये दोनों नीचे वाली फाइल साइलेंट पैच ASI, साइलेंट पैच 33, तो सिंपली आपको इसे ओपन करना है एंड गेम के फोल्डर के बाहर पेस्ट कर देना है, ठीक है, मतलब गेम के फोल्डर पे पेस्ट कर देना है। सिंपली हम बैक करते हैं एंड अब जाना है स्टेप 8 के ऊपर। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक गेम का आइकन मिलेगा, सिंपली इसे कॉपी करना है एंड सिंपली गेम के फोल्डर पे, गेम के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। बैक चलते हैं, यहाँ पर स्टेप 8 कंप्लीट हो चुका। अब स्टेप 9 आने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ। ये जो रीसेट सेटअप आप देख रहे हो, अगर इन केस अगर आपका कुछ ऐसा ग्राफिक्स नहीं चलता है या गेम में कुछ ऐसा एरर आता है तो इसे यूज़ करें, यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई नीड नहीं रहेगा दोस्तों इसे इंस्टॉल करने का, पर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सिंपली आप इसे ओपन करना या एनेबल इसे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट गेम मैनेजर, ब्राउज पे जाना एंड जहाँ भी आपने गेम को इंस्टॉल किया है, तो ये रहा GTA San Andreas का फोल्डर एंड ये जो आइकन देख रहे हो GTA, सिंपली इसको ओपन करना, इसे सेलेक्ट करना है एंड इसे सिंपली ओके करना, ठीक है। सिंपली हम ओके करते हैं एंड ये कुछ डाउनलोड लेगा, मेक श्योर कि आपका जो इंटरनेट है वो ऑन करके रखना, ये नहीं कि भाई नेट बंद है, हाँ भाई मेरा हो नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कट करते हैं, स्टेप 9 का भी कंप्लीट होता है। अब दोस्तों अपने को चलना है स्टेप 10 के ऊपर। कहाँ है भाई हमारा स्टेप 10? ये रहा रेंडरिंग हुक, सिंपली आपको इसे ओपन करना, EN लिखा रहेगा, सिंपली आपको इसे ओपन करना है। अब यहाँ पर जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसे सेलेक्ट करना, सेटिंग को सेलेक्ट कर लेना, ये वाला एंड ये वाला, तो सिंपली आपको ये चारों को सेलेक्ट करना है, फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना, ठीक है भाई। अब अपन बैक चलते हैं, अपने को स्टेप 11 पे जाना है जो हमारा ग्राफिक्स एक्सट्रीम हो जाएगा, आपको इसे ओपन करना है एंड जितना भी यहाँ मटेरियल है इसे कॉपी करो एंड इसे चेप दो, गेम के फोल्डर पे चेप दो, मतलब पेस्ट कर दो, रिप्लेस मांगेगा, रिप्लेस मार देना भाई। तो चलो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट जितना काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अब अपने को क्या करना है, ये जो आइकन देख रहे हो सिंपली राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, यस करना। एंड दोस्तों अगर इन केस अगर आपका गेम यहाँ चलता नहीं है या कुछ एरर आता है या एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, तो आपको एक काम करना है, सिंपली उस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना जहाँ हमारा सब मोड्स का मटेरियल है। तो सिंपली रीशेड करके आपको लिखा रहेगा, सिंपली आपको इसे ओपन करना है एंड सेलेक्ट गेम एप्लीकेशन पे जाना है, यहाँ ब्राउज करना है एंड सिंपली गेम के फोल्डर पे आ जाना है। ये जो GTA जो हमने सेलेक्ट किया था फिर से हमें इसे सेलेक्ट करना है, फिर से जो वर्जन हमने सेलेक्ट किया था डायरेक्ट 3D वाला, तो सिंपली आपको यहाँ से इसे अनइंस्टॉल कर लेना, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर गेम को अपना फिर से ओपन करना है एंड आई होप कि यहाँ पर आपका जब इसे आप अनइंस्टॉल कर लोगे तो 100% यहाँ पर आपका जो गेम है चालू हो जाएगा। तो चलिए हम इसे यस करते हैं, अगर यहाँ गेम आपका क्रैश करता है तो, ठीक है, तो वैसे ही आपका फिन से आएगा, सिंपली आपको यहां पर ओके कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि हमारा गेम चालू हो चुका है बिना किसी एरर के। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ मेरे प्यारे भाई लोग अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें जो इस गेम को खेलना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ ऐसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और भाई से अगर कोई गलती होती है उसे माफ करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।